मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। आपके एक गवाही ने श्री राम जन्मभूमि की दशा और दिशा को बदल दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आपकी गवाही क्या गुल खिलाएगी, कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। उसी समय पता चल जाएगा जब कोर्ट मुझे बुलाएगा और मैं अपना पक्ष रखूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्रतिभा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की दशा और दिशा बदल देगी। महाराज जी, वक्फ बोर्ड को देखते हुए हिंदू धर्माचार्य सनातन बोर्ड की बनाने की मांग कर रहे हैं, महाराज इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो सबसे प्रामाणिक हिंदू धर्माचार्य मैं ही हूँ और मेरी प्रतिक्रिया यह है कि यदि चर्चेस का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, तो हिंदू मंदिरों का भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और हम इसके लिए सरकार से अनुरोध करेंगे और हटवाएंगे इसको। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या करें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या करें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अभी काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ASI रिपोर्ट को लेकर के वाराणसी कोर्ट ने उसको खारिज किया है, इस मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? किसको खारिज किया? आज अभी फैसला आया है, जो टीम सर्वे करने के लिए ASI के लिए कही गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कोर्ट ने खारिज किया टीम को सर्वे बनाकर, ASI टीम को सर्वे करने के लिए हम लोगों ने मांग करी थी, हिंदू पक्ष वालों ने मांग करी थी और उसको खारिज हो गई, वो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहाँ से खारिज हुई? वाराणसी जिला कोर्ट। तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और फिर हो जाएंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा।